एक्सेल पे अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीका है इंसर्ट करने का, शॉर्टकट तरीका भी है, लॉन्ग तरीका भी है। और जो कॉलम और रो जो हम लोग ब्लैंक लेंगे अभी, फिर उसको डिलीट शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे वो भी इस वीडियो में सीखेंगे आप। तो वीडियो में आप बने रहें, पूरा वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि कॉलम और रो कैसे इंसर्ट कराते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। हाय स्टूडेंट, एक्सेल डाटाशीट पे अगर आप यहाँ पर आप कॉलम ब्लैंक लेना चाहते हैं या फिर आप रो ब्लैंक लेना चाहते हैं या फिर एक से ज्यादा ब्लैंक लेना चाहते हैं रो या फिर कॉलम ब्लैंक ज्यादा लेना चाहते हैं, तो आपको कर्सर यहाँ पर हेडिंग के साथ सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आपको प्लस प्रेस करेंगे तो आपका इस तरह से कॉलम आपको मिल जाएगा। अगर फिर से दोबारा प्रेस करते हैं तो फिर से कॉलम मिलेगा। अगर आप इसे पहले लेना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाइए और प्लस दबाइए। देखिए इस तरह से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैन्युअली तरीके से करना हो आपको होम टैब में इंसर्ट ऑप्शन लेना पड़ेगा और आप यहां से इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं। कर्सर फिर आप ऐसे हेडिंग को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी आप इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप दो ठो कॉलम को सिलेक्ट करके अगर आप इंसर्ट लेते हैं तो इस तरह से मिलेगा। और अगर आप शॉर्टकट तरीके से लेना चाहते हैं तो जैसे कि अगर हम दो या तीन सेलेक्ट कर लिए तो शिफ्ट के साथ आप प्लस प्रेस करने से आपका ऐसे आपको तीन ठो कॉलम मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको रो चाहिए तो आप दो ठो सेलेक्ट कर लेते हैं रो और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करते हैं तो आपको इस तरह से दो ठो रो आपको मिलेगा। अगर आप सिंगल सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करते हैं तो सिंगल रो आपको इस तरह से मिलेगा। मैन्युअली तौर से अगर आप लेना चाहते हैं, मेनू से लेना चाहते हैं तो आप इस तरह सेलेक्ट कीजिए और होम टैब में आपका इंसर्ट ऑप्शन है और इंसर्ट शीट रो ऑप्शन लीजिए। इसी तरह से आप अगर यहां सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं इंसर्ट शीट रो लेते हैं तो इस तरह से आप इंसर्ट शीट रो आप ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो जितना लेना चाहते हैं आप उतना सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट शीट रो लीजिए। अगर आप शॉर्टकट तरीके से लेना चाहते हैं एक से ज़्यादा तो आप उतना रो सेलेक्ट करके कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आपको प्लस प्रेस करना है, इस तरह से इंसर्ट रो हो जाएगा। अगर आप ये सब को डिलीट अगर करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आप माइनस प्रेस करेंगे तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से रो को भी डिलीट करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए इस तरह से दो ठो सेलेक्ट कर लिए हैं कंट्रोल के साथ माइनस करते हैं तो डिलीट हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर आप यहां सेलेक्ट करके मैन्युअली डिलीट करना चाहेंगे तो आप इस तरह से यहां से डिलीट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप राइट क्लिक करके करना चाहेंगे तो यहां से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका तो आपका लॉन्ग हो गया। अगर आप शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं एक बार में तो कंट्रोल के साथ आप यहां पर जी प्रेस करना है और आपको स्पेशल ऑप्शन पे जाना है और यहां से ब्लैंक ऑप्शन लेंगे और ओके कर देंगे तो सारे ब्लैंक ऑप्शन जो है आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आप माइनस प्रेस कीजिए और आपको यहां पर चूज करना है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट ऑप्शन को, ओके कर देना है। तो आपका देखिए अभी कॉलम डिलीट हो गया है। आप फिर से बाहर क्लिक करके कंट्रोल के साथ जी प्रेस कीजिए और स्पेशल ऑप्शन पे जाइए और ब्लैंक ऑप्शन फिर से लीजिए और ओके कीजिए। सेलेक्ट होने के बाद कंट्रोल के साथ आप माइनस प्रेस कर लीजिए, इस बार शिफ्ट सेल्स अप ऑप्शन लेना है और ओके करना है। आपका जो कॉलम और रो जो था वो सारा डिलीट हो जाएगा और इस तरह का डाटा आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपका डाटा अरेंज सही नहीं है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और किसी भी हेडलाइन के बीच में जो लाइनिंग दिख रहा है उस पर डबल क्लिक कीजिए इस तरह से, तो आपका डाटा इस तरह से अरेंज हो जाएगा। और भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।